हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आप ये जो देख रहे हैं ये पनीर के रोल है और उसे हमने एक बहुत ही डिफरेंट टेस्टी सी ग्रेवी के अंदर ये रोल डाल के हमने ये सब्ज़ी बनाई है। ये सब्ज़ी देखने में जितनी डिफरेंट है, खाने में उतनी ही टेस्टी और लाजवाब सब्ज़ी है। अगर फ्रेंड आप इसे एक बार खा लेंगे ना, तो फ्रेंड आप इसका टेस्ट कभी नहीं भूलेंगे। इसे बनाने के लिए मैंने एक कप पनीर लिया है, उसको ग्रेट करके मैंने मिक्सी के जार में डाल के उसकी एक स्मूथ सी पेस्ट बना ली है, क्योंकि ये रेसिपी के लिए हमें पनीर का एक डो बनाना है और डो बनाने के लिए हमें पनीर की एक पेस्ट बनानी है। नॉर्मल हम पनीर के टुकड़े करके पेस्ट बनाते हैं तो वो इतनी अच्छी नहीं बनती है, तो उसे आप ग्रेट करके बनाइए। अब इसका डो बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून जितना मैदा डाला है, 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। इन सारी चीज़ों को मिक्स करके मैं एक अच्छा सा डो बनाएंगे। ये डो बनाने के टाइम पे आप फ्रेंड इतना ध्यान रखिए कि अगर आपका पनीर थोड़ा ज़्यादा मॉइस्चर वाला है तो थोड़ा सा मैदा ज़्यादा लगेगा, और अगर आपका पनीर ड्राई है तो ज़रा मैदा कम लगेगा। ये आप उस टाइम पर डो को देख के ही बनाने के टाइम पर आपको समझ में आएगा। ये देखिए फ्रेंड, इस टाइप सा एक टाइप का डो हमने बना लिया है। अब हम इसमें लगाने के लिए एक पेस्ट बनाते हैं। ये पेस्ट बनाने के लिए मैंने 1 से 1.5 चम्मच जितना ऑयल लिया है, उसके अंदर मैं 1/2 टीस्पून जीरा डालूंगी। ये देखिए फ्रेंड, मैंने उसके अंदर 1/2 टीस्पून जीरा डाला है। जीरा जैसे ही हल्का गुलाबी हो जाएगा उसमें हम 1 से 2 तेजपान डाल देंगे और कुछ खड़े मसाले डालेंगे। यहाँ पे खड़े मसाले में मैंने दालचीनी का टुकड़ा, लौंग, काली मिरी, बड़ी इलायची और स्टार चक्री फूल ये हम लेंगे। ये जैसे ही सारी चीज़ें अच्छे से गर्म हो जाती है, गुलाबी हो जाती है, तो हम एक बड़ी सी प्याज लेंगे जिसे हमने बड़े बड़े टुकड़ों में काटा है, वो हम इसमें डाल देते हैं। और अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करके हम अच्छे से गुलाबी से होने देंगे, मतलब पकने देंगे थोड़ा सा। क्योंकि हमें इन सारी चीज़ों की एक पेस्ट बनानी है, जो पेस्ट हम पनीर की जो रोटी बनाएंगे उस पर हम लगाएंगे। तो ये पेस्ट जितनी टेस्टी होगी हमारा रोल उतना ही टेस्टी लगेगा। अब मैंने यहाँ पे एक टमाटर लिया है बड़े साइज़ का, उसके भी मैंने बड़े बड़े टुकड़े काट लिए हैं और वो मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम पकने देंगे, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए उतना हमें इसे पकाना है। अब इसके अंदर हम अदरक, लहसुन और हरी मिर्च तीनों की पेस्ट मैंने 1/1 टीस्पून डाली है। आप चाहो तो तीनों को मिक्स करके भी पेस्ट बना के डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून अदरक की पेस्ट, 1 टीस्पून हरी मिर्च की पेस्ट और 1 टीस्पून लहसुन की पेस्ट, ये तीनों पेस्ट मैंने इसमें डाल दी है। और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है, कम से कम आप 1/2 टीस्पून जितना नमक डाल दीजिए इसके अंदर। और अब इन सारी चीज़ों को 1 से 2 मिनट पका लीजिए। जब आपका टमाटर और प्याज स्मूथ हो जाए उतना आपको इसे पकाना है। और जब आप इसकी पेस्ट बनाएंगे तब आपने इसमें से तेजपान को निकाल लेना है और बाद में ये पेस्ट आपको बनानी है। अब इसमें मैंने 8 से 10 भीगे हुए काजू डाल दिए हैं। फिर से सारी चीजों को मिक्स कर दिया। अब ढक्कन ढक के हम इसे थोड़ा स्मूथ होने देंगे। 3 से 4 मिनट के बाद ये थोड़ा स्मूथ हो जाता है, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। एक बार हम ये हिलाएंगे, चेक करेंगे। यहाँ में मैंने 1/4 कप जितना पानी डाला है जिससे ये हमारी प्याज और टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाए।
अब गैस की फ्लेम भी मैंने थोड़ी फास्ट कर दी है। अब तक मैं ये प्रोसेस थोड़ा स्लो गैस पे कर रही थी, अब मैंने इसे फास्ट कर दिया है। अगर कभी आपको ये सब्जी बनाने के टाइम पे बहुत गड़बड़ हो, तो आप फास्ट काम करना हो, तो आप इन सारी चीज़ों को कुकर में डाल के भी एक सीटी ले लेंगे तो फटाफट वो सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद उसके अंदर मैंने 1/4 teaspoon हल्दी, 2 tablespoon लाल मिर्च पाउडर, 1 teaspoon गरम मसाला, 2 tablespoon धनिया जीरा पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैंने लाल मिर्च चिक्की जो ली पाउडर लिया है, वो मैंने काश्मीरी लाल मिर्च 1 tablespoon और 1 tablespoon नॉर्मल वाली मिर्च ली है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ये देखिए। और थोड़ा सा मैंने पानी भी डाला है, जिससे मसाले अच्छे से पूरे मिक्स हो जाए। इसे हमें तब तक पकाना है जब तक ये ड्राई ना हो जाए। अब यहाँ पे मैंने इसके अंदर शक्कर डाली है, अब ये ठंडा हो गया है पेस्ट। उसे मिक्सी के जार के अंदर डाल के तेजपान निकाल के मैंने एक पेस्ट बना ली। अब वो पेस्ट मैंने एक साइड रख दी है। अब ये हम पनीर की अच्छे से रोटी बनाएंगे। इतने पनीर में से आप चाहो तो एक बड़ी रोटी बेलो, पर बड़ी रोटी बेलने के टाइम पे हमें तकलीफ़ होती है, इजीली हम नहीं बेल सकते हैं, क्योंकि सॉफ्ट होता है। तो हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड करके 2 छोटी छोटी रोटी बनाएंगे। और रोटी बनाने के टाइम पे मैंने यहाँ पे सिलिकॉन मैट ली है। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप प्लास्टिक ले सकते हो, या तो बटर पेपर ले सकते हो, जिससे आप इजीली बेल सकते हो। अब मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डाल दिया है और उसके ऊपर पनीर को थोड़ा सा ऐसे अच्छे से लपेट लिया है। अब हम हल्के हाथों से इसकी एक पतली सी रोटी बेलेंगे। हमें नॉर्मल हमारी जो रोटी हम खाते हैं वैसी ही बेलना है, ना बहुत मोटी ना बहुत पतली, और एकदम हल्के हाथों से सॉफ्टली आप बेलिए, इजीली आप इसे बेल सकेंगे। ये देखिए फ्रेंड, एकदम सॉफ्टली अच्छे से हमने ये राउंड रोटी बना ली है। अब ऐसे ही हम दूसरी रोटी बना लेंगे। अब हमने जो ये पेस्ट बनाई है, इसकी कंसिस्टेंसी हमें थिक चाहिए, क्योंकि हमें इस रोटी के ऊपर इसे पेस्ट के जैसे लगाना है। अगर ये थिक रहेंगी तो ही वो अच्छे से उसके ऊपर स्प्रेड होंगी। ये देखिए, हमने इस तरह से इस पे लगा दिया है। अब हम इसके ऊपर 1 क्यूब चीज़ लेंगे और इसके ऊपर हम अच्छे से ग्रेट करके चीज़ डाल देंगे। यहाँ पे मैंने जो चीज़ लिया है, वो मैंने 1/2 क्यूब एक रोटी पे यूज़ किया है और 1/2 क्यूब मैंने दूसरी रोटी पे यूज़ किया है। इस तरह से 1 क्यूब में मेरी ये दोनों रोटी के अंदर मैंने स्टफ़ कर दिया है चीज़ का। और हाँ फ्रेंड, अगर आपको यहाँ पे चीज़ नहीं डालना है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे आप ग्रेट करके पनीर भी डाल सकते हैं। अब इसे हल्के हाथों से आप रोल बनाइए, और ये प्रोसेस बहुत इजीली होता है। बस आपको थोड़ा थोड़ा स्लोली स्लोली काम करना है। अब जैसे जो साइड है हमारी दोनों रोल की, दोनों साइड, वो हम चाकू से कट कर लेंगे। काट के उसे हम जो ग्रेवी हमारी मिक्सी के जार है के में है उसमें ही डाल देंगे। इसे हमें वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये पनीर और ग्रेवी है तो दोनों चीज़ वापस हम मतलब यूज़ कर सकते हैं, हमें इसको यूज़ कर लेना है। इस तरह से मैंने 1 रोल में से 4 पीसेस किए हैं। अब सेम इसी तरह से हम दूसरी रोटी रेडी करते हैं। ये देखिए, 1 रोटी में से मैंने इसे 4 बनाए हैं। अब ये दूसरी रोटी पे मैंने फिर से पेस्ट लगा दिया है, फिर से इसके ऊपर हम ग्रेट करके चीज़ डाल देते हैं। ये
ये देखिए फ्रेंड, फिर से हल्के हल्के हाथों से हमने रोल बना लिया है। लग रही है ना फ्रेंड, ये एकदम डिफरेंट और टेस्टी सी सब्जी दिख रही है ना फ्रेंड। ये रियली बहुत ही अमेजिंग टेस्ट की सब्जी है। आप इसे बनाएंगे ना, तभी आपको समझ में आएगा कि आपने आज क्या सीखा है। अब हम ग्रेवी बनाते हैं। हमारे रोल रेडी हो चुके हैं। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे फिर से एक कढ़ाई लिए, उसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून घी और 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है। पंजाबी सब्जी है तो ऑयल और घी की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रही तो सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, क्योंकि ग्रेवी बहुत अच्छे से इसमें पकती है। अब इसके अंदर मैंने 1/2 टीस्पून जीरा डाल दिया है। फिर से जीरा जैसे ही तड़कने लगता है, गुलाबी होने लगता है, हम इसके अंदर बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे। बारीक कटी हुई प्याज मैंने यहाँ पे 1/2 कप ली है। हल्की सी गुलाबी हो जाती है, ट्रांसपेरेंट हो जाती है, तब हम इसके अंदर आगे के प्रोसेस करते हैं। मुझे थोड़ा सा ऑयल कम लग रहा था तो मैंने उसमें और 1 चम्मच ऑयल डाल दिया है। अब यहाँ पे सेम अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, तीनों की पेस्ट मैंने 1 1 चम्मच डाल दी है। मैंने आपको बताया ना फ्रेंड, आप तीनों को एक साथ भी पेस्ट बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक टमाटर लिया है जिसे मैंने बारीक काट लिया है। यहाँ पे मैंने बड़ा वाला एक टमाटर लिया है, या तो आप 1/2 कप बारीक कटे हुए टमाटर ले सकते हैं, और या तो आप एक बड़ा टमाटर लेके उसे बारीक काट सकते हैं। आप दोनों, आपको जो सूट हो उस हिसाब से आप मेजरमेंट कर सकते हैं, और ढक्कन ढक के इसे आप पकने दीजिए। जब ये पक जाता है, स्मूथ हो जाए, एकदम सॉफ्ट हो जाता है, तब इसे आप एक बार फिर से हिलाइए और चेक करिए कि आपके टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हुए हैं या नहीं। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, 1 टीस्पून चाट मसाला डाला है, क्योंकि ये सब्जी के अंदर चाट मसाले का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर डाल के फिर से अच्छे से मिक्स किया है। और फ्रेंड, आप ये ध्यान रखिए, मेरी जो लाल मिर्च है वो काश्मीरी लाल मिर्च है, जिससे मेरी सब्जी का कलर तो बहुत अच्छा आता है, पर वो स्पाइसी नहीं होती है। अगर आपकी मिर्च स्पाइसी है तो आप तीखी है तो आप घर के अनुसार चेक करके लाल मिर्च का यूज़ कीजिए। और जो मिक्सी के जार में हमारी पेस्ट थी, जिसमें हमने रोल साइड के काट के डाल के फिर से एक बार पेस्ट बना ली, और वो पेस्ट हमने इसके अंदर डाल दिया। पेस्ट डालने के बाद मिक्सी के अंदर जो पेस्ट चारों तरफ चिपका हुआ था, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के मिक्सी का जार अच्छे से धो के वो पानी भी इसमें डाल दिया है। और अब सारी चीज़ों को मिक्स करके एकदम अच्छे से आप इसे फिर से हिला के पकने दीजिए, क्योंकि ग्रेवी जितनी पकेंगी आपके मसाले का फ्लेवर उतना ही अच्छा आता है। अब मैंने यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक डाला है। ये देखिए फ्रेंड, इसमें अब ऑयल धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, क्योंकि हमने ऑयल और घी की क्वांटिटी थोड़ी अच्छी रखी है, जिससे हमारी ग्रेवी फटाफट पक रही है। और मसाले जब तक तेल के अंदर अच्छे से पके नहीं, तब तक पंजाबी ग्रेवी की सब्जी टेस्टी बनती ही नहीं है। ये देखिए, पूरा ऑयल ऊपर आ गया है। अब मैंने यहाँ पे 1 कप गरम वाला पानी डाल दिया है, क्योंकि ठंडा पानी डालने से वो आपकी ग्रेवी को ठंडा कर देता है और उसे फिर से उबलने में टाइम लगता है, और ऑयल भी ऊपर नहीं आता है। इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, 1 कप गरम पानी डाला। गरम पानी डालने के बाद ढक्कन ढक के मैंने उसे 5 मिनट पकने दिया। जब पक गया, तब ढक्कन खोल के मैं देख रही हूँ कि ये अच्छे से बबल्स आ रहे हैं। अब हमें ऊपर ऑयल को आने देना है, तब तक हमें राह देखनी है। जब इसमें ऑयल अच्छे से ऊपर आने लगे, तब हम इसमें रोल जो हमने बनाए हैं वो हल्के हल्के हाथों से रख देंगे, क्योंकि पनीर के रोल जब ग्रेवी के अंदर 2 से 3 मिनट उबलते हैं
तो ग्रेवी का फ्लेवर एकदम अच्छे से पनीर के साथ मिक्स हो जाता है और वो आपकी सब्जी को बहुत अच्छे से एक टेस्टी सा फ्लेवर देता है। नहीं तो नॉर्मल हमें पनीर फीका फीका लगता है ना, इसके लिए हम इसे इस तरह से ग्रेवी में डाल के 4 से 5 मिनट उबलने देते हैं। अब मैंने एक हरी मिर्च ली है, उसके बड़े बड़े टुकड़े काट लिए हैं और टमाटर के मैंने 2 से 4 ऐसे बड़े बड़े टुकड़े काट के वो भी ग्रेवी में डाल दिए हैं। ये इस तरह से डालने से आपकी सब्जी में एक अलग सा डिफरेंट सा टेस्ट आता है। और वो सब चीज़ें डालने के बाद 1 से 2 मिनट उबालिए और उसे इस तरह से एक सर्विंग बाउल में निकाल लीजिए। सर्विंग बाउल में निकालने के बाद मैंने इसके ऊपर हरी धनिया और क्रीम डाल दी है। और फ्रेंड देखिए, ये किसी होटल या 5-स्टार होटल से कम लग रही है क्या? कितनी टेस्टी दिख रही है। इसे आप रोटी, पराठे, नान, चावल किसी के भी साथ सर्व करिए और आपको ये इतनी टेस्टी लगेंगी वो चीज़ों के साथ कि आप इसे, इसका टेस्ट आपके मुंह में से जाएगा ही नहीं, आपको मन लग करेगा कि आप इसे बार बार, इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिए। और हाँ फ्रेंड, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स द्वारा ज़रूर बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।